नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोटा में पढ़ने आई नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म। नीट की तैयारी करने आई थी 16 साल की लड़की, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। कोटा में पढ़ने आई एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। जेके लोन हॉस्पिटल में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिलहाल दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। पहले परिजन बच्चे को रखना चाहते थे, अब उन्होंने बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंपने का फैसला लिया। हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क किया। फिलहाल इस मामले में परिजनों की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग की उम्र 16 साल है, वो एमपी की रहने वाली है। 2 महीने पहले ही नीट की तैयारी करने कोटा आई थी, कुन्हाड़ी इलाके में रह रही थी। सोमवार को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जांच में उसके 8.5 महीने के गर्भ होने की जानकारी सामने आई। जेके लोन हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया। नाबालिग को लेबर रूम में शिफ्ट किया गया, जहां उसने बेबी को जन्म दिया। इस मामले में नाबालिग के परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नाबालिग के गर्भवती होने की सूचना पर बाल कल्याण समिति की टीम काउंसलर को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। परिजनों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। नाबालिग के अचेत होने के कारण उससे बात नहीं हो सकी। समिति के सदस्य वापस लौट गए। जेके लोन हॉस्पिटल में गायनिक एचओडी डॉक्टर बहार सक्सेना ने बताया कि बालिका कल सोमवार को एडमिट हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसने एक बेबी को जन्म दिया है। पहले परिजनों ने बेबी रखने की इच्छा जताई थी। आज डॉक्टर्स की टीम के राउंड के दौरान परिजनों ने बेबी को नहीं रखने की इच्छा जाहिर की, जिस पर बाल कल्याण समिति को सूचना दी है। डीएसपी शंकर लाल ने बताया कि इस मामले में परिजनों की तरफ से शिकायत का इंतजार है। शिकायत पर 0 नंबर की एफआईआर काट कर संबंधित जिले के थाने को भेज दी जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।